सेक्स के धंधे की क्वीन कही जाने वाली सोनू पंजाबन की कार पर गोली चलने की खबर है। सोनू पंजाबन की माने तो लक्ष्मीनगर पुष्टा रोड पर कार सवार कुछ लोगों ने उसकी कार को ओवरटेक कर उस पर गोली चला दी। सोनू इस हमले में बाल बाल बच गई। वैसे दिल्ली पुलिस सोनू के बयान और घटनास्थल को लेकर कुछ संशय में है। दिल्ली में सेक्स रैकेट चलाने के जुर्म में सोनू इन दिनों जेल में है और फिलहाल 7 दिन की अंतरिम जमानत पर बाहर है। पुलिस को दिए बयान में सोनू पंजाबन ने दावा किया है कि उस पर 3 गोलियां चलाई गई और वह किस्मत से बच गई। दिल्ली पुलिस को सोनू के इस किस्मत कनेक्शन पर उतना भरोसा नहीं हो रहा है। घटना से पहले सोनू ने अपने बेटे और भाई को कहीं छोड़ा था और हमले के वक्त वो गाड़ी में बिल्कुल अकेली थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि वारदात से पहले वो कहां जा रही थी और उस पर कौन हमला कर सकता है। हालांकि सोनू पंजाबन ने इस हमले के लिए कुछ लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।